दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उससे जो जुड़ा है व्यक्ति वो उसको प्यार दे, मान सम्मान दे, उसकी बातों को सुने और उस पर ध्यान दे, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बच्चों के साथ में आपका रिलेशन हो, या परिवार के साथ में आपका कोई रिलेशन है, या आपके मित्र यार दोस्त हैं, या आप किसी भी सभा में जा रहे हैं, आप एक आकर्षण के केंद्र बने। तो ये आकर्षण आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आपको अगर ये आकर्षण अपने अंदर पैदा करना है, देखिए, हम आकर्षण का मतलब समझते हैं केवल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, यहाँ आकर्षण की बात हो रही है विश्व जगत आकर्षण, यानी कि हमारे अंदर वो एक ऐसा आकर्षण पैदा हो जाए जिससे कि हर कोई व्यक्ति हमसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, वो हमारे घर के सदस्य हों, हमारे पति हों, हमारे बच्चे हों, उन पर हमारा प्रभाव अच्छा पड़ने लगे, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, या हम जहाँ भी जाएँ हमारे अंदर वो गजब का आकर्षण बढ़े। तो आज मैं आपको ऐसा ही चमत्कारिक दिव्य मंत्र देने जा रही हूँ। आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना के लिए वो तुरंत पूरी होती है। इतना ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या पहली बार आप मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन यानी कि घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोज़, दो वीडियोज़ देती हूँ, 3:11 पर विशेष वीडियो, 7:30 पर लाइव आती हूँ आपके लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, साथ में आज का विचार लेकर। शुक्रवार को मैं आप लाइव आकर आपके कमेंट सेक्शन लेती हूँ जो आप मुझे सप्ताह भर भेजते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं अपनी किसी भी समस्या के निराकरण के लिए भी। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, हर घर की एक ये समस्या है कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं, या पति नहीं सुन रहे, या सास नहीं सुनती हैं, दौरानी जेठानी में आपस में कलह कलेश बना रहता है, घर में आपका इंप्रेशन ही नहीं है, या आप पति पत्नी हैं तो दोनों में झगड़ा है, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी आप लोगों में किसी न किसी बात को लेकर तकरार होती रहती है, आपके अंदर वो आकर्षण ही नहीं है। देखिए, किसी सामने वाले में ढूंढने से बेहतर है पहले हमें अपने आप को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। तो आज का ये दिव्य मंत्र है। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप घर के मंदिर में बैठकर ही करें, हाँ, लेकिन चाहिए इसके लिए एक शांत जगह है जहाँ बैठकर आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ में इस मंत्र का जाप करें। यकीन मानिए कि आपके अंदर वो गजब की आकर्षण क्षमता बढ़ती चली जाएगी कि हर कोई व्यक्ति इसका, जैसे जैसे मंत्र का प्रभाव आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, आप अपने आप में खुद एक अनुभव करेंगे कि अब आपकी बातों से लोगों को इंटरेस्ट आने लगा है, आपकी बातें लोग सुनने लगे हैं, आपकी बातें लोग समझने लगे हैं। सो इस मंत्र के लिए पूरी श्रद्धा और भाव के साथ में आपको करना होगा। कोई भी कर सकता है। बच्चे बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि माता पिता हमारी नहीं सुनते हैं, या माता पिता हम पर ध्यान ही नहीं देते हैं, या मेरी माँ मेरी बिल्कुल नहीं कहना मानती है, या मेरे पिता मेरा बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, या मुझे संपत्ति निकाल दिया है, या कुछ भी इस तरह की समस्याएं, या पति पत्नी में झगड़े चलते रहते हैं, वो भी अक्सर कर मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। तो आज ये विशेष उपाय सभी के लिए है। इसमें किंतु परंतु की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा शुद्ध सात्विक मंत्र है, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सबसे पहले तो आप मंत्र को सुन लीजिएगा और इस मंत्र को एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से उतार कर रख लीजिएगा। अब इसको शुद्ध अवस्था में ही करना है, साफ सुथरे एकांत जगह पर बैठ के करना है। आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, इसे किसी भी समय किया जा सकता है, इसमें समय का कोई बंधन नहीं है। सुबह करें, शाम को करें, या रात में करें, क्योंकि भगवान कृष्ण को आकर्षण का सबसे बड़ा जो उनके अंदर आकर्षण था कि वो मात्र एक जो बांसुरी की धुन से पूरे विश्व को मोहित कर लेने वाले थे। तो ये आज ये कृष्ण का ही एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। इसमें गजब की आकर्षण क्षमता है इस मंत्र के अंदर। आपको तो आकर्षक बनाता है सामने वाला, आपके पास खिंचकर आता है, चला आता खिंचकर। ये मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र को एक वाइट कलर के पेपर पर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको डेली इसका जाप करना है, आपको
चाहे तो अपने सामने, आप अगर अपने घर के लिए कर रहे हैं तो पानी भर के रख लीजिए अपने सामने, या अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो एक इलायची का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, अगर आप उनको खिला सकते हैं तब। अगर नहीं खिला सकते हैं तो फिर आप उनकी फ़ोटो के सामने भी स्प्रे को कर सकते हैं। मैंने आपको तीन विधियाँ बता दी, घर के लिए कर रहे हैं तो लोटा भर के पानी रख लीजिए अपने सामने, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर के बाहर भी कर सकते हैं। अगर आप उनको इलायची खिला सकते हैं तो इलायची के ऊपर कर दीजिए। अगर आप मतलब पार्टनर आपके घर में नहीं रहते, आप लोग कहीं अलग अलग रहते हैं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरह से, या आप उनके फ़ोटो के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। इसको डेली आपको 108 बार गिनना है, मंत्र का जाप करना है। आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, आप इसे तुलसी की माला से कर सकते हैं, आप इसे अपने उंगलियों पर गिनकर भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से गिनकर भी कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा भाव के साथ में आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लीजिए। आप अगर मान लीजिए महिलाएं कर रही हैं, वो चाहती हैं कि पूरे परिवार में उनका वर्चस्व बढ़ जाए, तो इसमें सभी के नाम लेंगी कि सभी के साथ में मेरा आपसी सामंजस्य प्यार बढ़ गया है। इस पानी में 3 फूंक मार देंगी और सभी की बोतलों में जो घर में बच्चे पानी पीते हैं सब में मिक्स कर देंगी। आप अपने किसी लव रिलेशन के लिए कर रहे हैं तो ये इलायची जो आपने हाथ में रखी है इस पर उनका नाम लेकर आप फूंक मार देंगी कि वो आपके अंदर आपके जो बातें हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट उनका जाग रहा है और आप दोनों के बीच में मित्रता या आपका प्रेम घनिष्ठ होता जा रहा है। अब ये नहीं है आपके पास तो आप फोटो पर भी एक प्रक्रिया कर सकते हैं, उस फोटो पर आपको यही सब बोलकर 3 फूंक मार देनी है। बस आप इतना सा ही प्रयोग कीजिए, पर कीजिए पूरे धैर्य और विश्वास के साथ में। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जैसे जैसे इस मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आपका काम होना आसान हो जाएगा और धीरे धीरे ये काम करता चला जाएगा। लेकिन आपको इसको बंद नहीं करना है, लंबे समय तक करिए। ऐसा नहीं है कि अब आपको लगा कि आप सब कुछ ठीक हो गया तो आप बंद कर देंगे, फिर आपको हफ्ते 15 दिन बाद फिर आपको ऐसा लगेगा कि फिर कुछ नहीं हो रहा है। सो इसको लंबे समय तक आपको जाप करना होगा। छोटा सा ही मंत्र है, बहुत अधिक टाइम नहीं लगता है, आपकी लगती है तो इसमें विश्वास और सो जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो समस्या आज की सबसे बड़ी हो गई है उस समस्या का निराकरण का सबसे सरल उपाय। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर माधव लिखिएगा जरूर। साथ में फॉरवर्ड अधिक से अधिक लोगों को कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं प्रक्रिया जानने के लिए कि आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण किस तरह से करा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको 1 मार्च से पहले मिल गया है तो आप मंगल कलश के लिए भी आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि 22 मार्च की है। इस कलश को आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है आप नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ ऐसे किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय के साथ।